हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। 23 अगस्त 2024 तक आवेदन मांगे जा रहे हैं। अलग अलग पोस्ट हैं तो सैलरी भी अलग अलग है। अधिकतम सैलरी की यदि हम बात करें तो 44,023 जो है सैलरी रखी गई है। बाकी जो है नोटिफिकेशन में देखेंगे, क्योंकि पोस्ट जो है वो उनके जो नाम है वो अलग अलग हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन भी रखी गई है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और सोशल साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में कई पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। आयु सीमा जो है यहाँ पर कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक जो है 35 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके साथ में जो है आयु सीमा में छूट बिल्कुल दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे जो है आवेदन करना है। बाकी जो है अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी है जो तो कितनी है। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सबसे पहले पद नाम आप देखें, तो इसमें जो है पदों की संख्या जिले वाइज है, काफ़ी संख्या में वैकेंसी है, जिले वाइज अलग अलग रखी गई है। सबसे अधिकतम जो सैलरी है वो है 44,023 जिला बाल संरक्षण अधिकारी की। संरक्षण अधिकारी के संस्थागत देखरेख में 27,804, गैर संस्थागत देखरेख की वैकेंसी भी इतनी ही है। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी की 27,804 है। काउंसलर परामर्शदाता की 18,536 है। सामाजिक कार्यकर्ता की भी इतनी ही है। कॉमर्स वाले कैंडिडेट जो है लेखापाल के लिए अप्लाई कर पाएंगे 18,536। डाटा एनालिस्ट की वैकेंसी यही सैलरी है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की 13,250 है। आउटरीच वर्कर की 10,592 है। तो ये एक जिले की मैंने बताई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी सभी में एक एक वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में 2 वैकेंसी सामाजिक कार्यकर्ता महिला के लिए है इस जिले के अंतर्गत। तो कुल जो है 5 वैकेंसी है, गौरेला, पैडरा, मरवाही, ये जिला है। ठीक है, और सैलरी भी आपने देख ली। इसी तरीके से जो है ये पोस्ट मैंने आपको बता ही दी है, एक ज़िले में अलग अलग जिले वाइज वैकेंसी है, पदों की संख्या भी अलग अलग है। अधिकतम सैलरी 44,023 है, जो कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी की है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसमें सैलरी 11,916 है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप देखें, तो सबसे अधिक सैलरी इसी में थी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी में। तो इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी या कोई भी सोशल वर्क, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोचिकित्सा, विधि, लॉ से भी अगर आपने किया है, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए। अनिवार्य कौशल जो है कंप्यूटर की नॉलेज, और इसमें जो है 3 वर्ष का जो है वो अनुभव भी जो है होना चाहिए किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन में आपने काम किया हो, महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन जो है अभी जो हमने देखी यही मास्टर डिग्री, और इसमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। नेक्स्ट देखिए संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, इसके अंतर्गत भी जो है मास्टर डिग्री, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं किया है, केवल स्नातक डिग्री ही किया है लेकिन 2 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, तो इसमें जो है LLV वाले अप्लाई करेंगे, कंप्यूटर की नॉलेज हो, 2 साल का अनुभव हो। काउंसलर की जो वैकेंसी है तो केवल 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका किसी में भी हो, समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक, काउंसलिंग संचार में। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। समाज कार्य, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कहीं पर भी जो है आपने महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में 1 साल का आपके पास कार्य अनुभव होना ज़रूरी है। लेखापाल की वैकेंसी है तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गणित विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और टेली कोर्स का आपके पास जो है प्रमाण पत्र है तो अप्लाई करें। 1 साल का इसमें केवल अनुभव चाहिए। अनिवार्य कौशल में जो है कंप्यूटर की नॉलेज तो हर किसी को आजकल होती ही है। डाटा एनालिस्ट में कंप्यूटर में ग्रेजुएट हैं आप, या सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव इसमें चाहिए। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 1 साल का अनुभव चाहिए। कंप्यूटर में 1 साल का, केवल 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, या फिर आपने 12th भी पास की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हिंदी में 8000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड इसमें होनी चाहिए। अंग्रेजी में 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति 1 साल के अनुभव के साथ में। आउटरीच वर्कर जो है वो केवल 12th मांगा गया है। इसमें भी 1 ईयर का जो है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने जो 2 पोस्ट देखी थी, सहायक सह डाटा ऑपरेटर किशोर न्याय बोर्ड के लिए, तो इसमें जो है 1 साल का आपके पास कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या केवल आपने 12th पास किया हुआ है तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत भी और बालक कल्याण समिति के अंतर्गत भी, ठीक है, दोनों में जो है 1-1 साल का अनुभव। और हिंदी में जो है 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड, और अंग्रेजी में भी जो है 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी होनी चाहिए। पदों की संख्या जो है वो परिवर्तनीय हो सकती है। वैकेंसी जो है कहाँ से जारी की गई है, तो ये वैकेंसी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत है। ये जो है पूरा एड्रेस है इसका, रायपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा हेतु विज्ञापन। तो ये संविदा जो है यहाँ पर 3 साल का, पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद अभी देख लेते हैं, 3 साल का तो है ही, 23 अगस्त तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। आयु सीमा में जो छूट है वो छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार ही दी जाएगी। इसमें लिखा है कि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो परीक्षा नहीं होगी। सिलेक्शन जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें जितने मार्क्स होंगे उसके आधार पर निकलेगी मेरिट लिस्ट, और उसके बाद ही जो सिलेक्शन रहेगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान में रखें। केवल छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट ही जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के हैं तो बिल्कुल आवेदन कर दें, क्योंकि परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अंकीय जो प्रणाली रहेगी, तो इसमें बता दिया है कि अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70% अंक दिए जाएंगे। निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक दे नहीं होगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के बाद प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक मिलेंगे, और अधिकतम जो है ये 10 हो सकते हैं, 10 अंक हो सकते हैं। नियुक्ति की जो अवधि रहेगी, तो यहाँ पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन कि जो टाइम पीरियड रहेगा, जो भी पहले हो उसकी अवधि तक जो है नियुक्ति होगी, यानी 3 साल तक तो इसमें आप रहेंगे। तो आवेदन आप करेंगे तो ये जो है निर्देश दिए गए हैं इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा ही जो है भेजे जाएंगे, सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप कार्यालय में जाके सबमिट करवाते हैं तो नहीं किए जाएंगे। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, cgstate.government.in।
दस्तावेज सत्यापन के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी आपके मूल प्रति हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, और उनकी फोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और किसी किसी पोस्ट के लिए जो है साक्षात्कार हो सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पर आप चले हैं सूचना निर्देशिका में, यहाँ पर न्यू मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु, तो बस इसको डाउनलोड कर लेना है और पूरी जो है पीडीएफ फाइल आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही जो है भेजना, ठीक है, कोई फीस नहीं है इसमें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेट की जो भी वैकेंसी आएगी बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी, चाहे किसी भी विभाग की हो जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जो भी जारी होंगे आप लोगों तक सूचना समय से पहले दी जाएगी। थैंक यू।